गृहमंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में महाआरती का आयोजन किया। शाह के जन्मदिन के मौके पर नवतेज टीवी की टीम ने मंदिर में सजावट और इंतजामों का जायजा लिया। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह का जन्मदिन है और वहीं पे यहाँ पे काफी महाआरती का प्रोग्राम रखा गया है। जो जगदीश मंदिर जहाँ से रथ यात्रा हर साल की तरफ निकलती है, वही रथ यात्रा ये जगदीश मंदिर यह है और जगदीश मंदिर पे यहाँ पे काफी क्राउड और महाआरती का आयोजन किया गया है। जिस तरीके यहाँ पे आए हुए हैं जो खास मेहमान के तरीके, जो यहाँ का कोषा अध्यक्ष हैं, जो जिनको काका के नाम से सुरेंद्र काका नाम के सुरेंद्र भाई पटेल हैं, और वहीं पे जो आए हैं परमल नाथवानी जी आए हैं, और खास करके यहाँ पे मंत्री काफ़ी आने वाले हैं। जिस तरीके नाम हैं प्रदीप सिंह जडेजा आने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी आ गए हैं, और उसके बाद अहमदाबाद के मेयर बिजल बहन पटेल भी आने वाली है। तो काफी यहाँ पे आने वाले समय में आरती महाआरती का आयोजन होगा। है कि अमित शाह की जगन्नाथ मंदिर से आस्था जुड़ी है, जिसको लेकर महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग के चेयरमैन गौतम पटेल की ओर से विशेष महाआरती कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पटेल और मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यसभा सांसद और रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर परिमल नाथवानी की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में अहमदाबाद के पूर्व सांसद हसमुख भाई पटेल और विधानसभा सदस्य और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और कई गणमान्यों ने महाआरती में भाग लिया। भूपेंद्र सिंह ने पार्टी की तरफ से अमित शाह को ढेरों शुभकामनाएं दी। जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप महाराज ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।